तमिलनाडु के सीएम जयललिता का निधन, हार्ट अटैक के बाद चेन्नई के अपोलो अस्पताल में ली अंतिम सांस, शोक में डूबे समर्थक। चेन्नई में राजाजी हॉल में जयललिता को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, भारी संख्या में पहुंचे समर्थक। जयललिता के निधन से समर्थकों में शोक की लहर, राजाजी हॉल के बाहर रोते देखे समर्थक। जयललिता को श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंचे, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज अंतिम विदाई में होंगे शामिल। जयललिता को श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंचे, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज अंतिम विदाई में होंगे शामिल। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज स्थगित, जयललिता को दी गई श्रद्धांजलि। एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान, राष्ट्रपति भवन में झुकाया गया तिरंगा। जयललिता के निधन पर तमिलनाडु में राजकीय शोक की घोषणा, 7 दिनों तक मनाया जाएगा शोक। अम्मा के निधन पर तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद, 3 दिन के बाद खुलेंगे स्कूल। उत्तराखंड, कर्नाटक और बिहार में 1 दिन का राजकीय शोक, पांडिचेरी में 3 दिन का शोक। चेन्नई में मरीना बीच में शाम 4:30 बजे दी जाएगी आखिरी विदाई, अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू। जयललिता की विदाई में पहुंचा समर्थकों का हुजूम, मरीना बीच पर पहुंचे हजारों लोग। अन्नादुराई और एमजी रामचंद्रन की समाधि स्थल के पास बनाई जाएगी जयललिता की समाधि। चेन्नई के राजाजी हॉल में रखा जाएगा जयललिता का पार्थिव शरीर, श्रद्धांजलि देने वालों को लगा ताता। राजाजी हॉल में शीशे के ताबूत में रखा गया अम्मा का पार्थिव शरीर, खचाखच भरा नजर आया राजाजी हॉल। सुपरस्टार रजनीकांत ने भी दी जयललिता को श्रद्धांजलि, निधन पर जताया दुख। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने राजाजी हॉल जाकर दी जयललिता को श्रद्धांजलि, पार्थिव शरीर के पास खड़ी रोती दिखी सांसद शशिकला। अभिनेता अमिताभ बच्चन भी जयललिता के निधन से दुखी, जयललिता को बताया मजबूत इरादे वाली महिला। अम्मा के निधन की खबर मिलते ही विलाप में डूबे समर्थक, रो रो कर हाल बेहाल। बड़ी तादाद में अपोलो के बाहर जुटी थी महिलाएं, अम्मा के निधन की खबर से खुद पर नहीं रख सकी काबू। बॉयज गार्डन में जयललिता के घर के बाहर सड़क पर बैठकर रोते दिखे उनके समर्थक, महिलाओं के साथ बच्चों की भी आंखें हुई नम। अपोलो अस्पताल पहुंचे तमाम एआईएडीएम के नेता और मंत्री, रोते हुए नजर आए, रोके नहीं रुक सके थे आंसू। पूरे तमिलनाडु में पैरामिलिट्री तैनात, हैदराबाद बैंगलोर में भी अलर्ट पर सीआईएसएफ की 5 टीमें, कर्नाटक सीमा के पास नेल्लोर में लगाई गई धारा 144। चेन्नई में नहीं खुली दुकानें और दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठान, जयललिता के निधन के बाद शोक में डूबा शहर। अम्मा की मौत के बाद पूरे तमिलनाडु में शोक की लहर, कोयम्बटूर में नहीं खुले पेट्रोल पंप। जयललिता के गुजरने के 24 घंटे के भीतर ही संपत्ति का बंटवारा, सूत्रों के मुताबिक करीबी शशिकला को मिला कोडनाडु और सिरवई एस्टेट, शशिकला के भतीजे को मिला अम्मा का पॉइस गार्डन, इसी बंगले में रहती थी जयललिता। जयललिता के निधन के बाद उनके विश्वास पात्र रहे पनीर सेल्वम बने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री, रात 1:23 पर राज्यपाल ने दिलाई शपथ। सीएम पद की शपथ ग्रहण के वक्त बेहद भावुक दिखे पनीर सेल्वम, सीएम पद की शपथ के बाद शर्ट की जेब में रखी अम्मा की तस्वीर। तीसरी बार तमिलनाडु के सीएम बने पनीर सेल्वम, पहले 2001-2014 में संभाला था सीएम का पदभार। अम्मा के निधन के फौरन बाद हुई थी एआईएडीएमके के विधायक दल की बैठक, पनीर सेल्वम को चुना गया था विधायक दल का नेता। पनीर सेल्वम के साथ 32 और मंत्रियों ने भी ली मंत्री पद की शपथ, राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज से शुरू हुआ विचारों का महामंच, एजेंडा आज तक, जयललिता के निधन पर रखा गया 2 मिनट का मौन। नोटबंदी पर बोले अमित शाह, कहा दिसंबर तक सारा ब्लैक मनी बैंक के अकाउंट में आएगा वरना बर्बाद हो जाएगा। कि जो सिस्टम के बाहर पैसा था वो सिस्टम के अंदर आना चाहिए, वो देश के विकास के अंदर लगना चाहिए। आज डिमोनिटाइजेशन के कारण, सरल शब्दों में कहे तो नोटबंदी के कारण, ये पैसा सिस्टम के अंदर आया है। एजेंडा में मोदी के साथ खराब संबंधों पर वसुंधरा राजे की सफाई, कहा हमारे प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंध। जरूरत होती है तब होता है, लेकिन अभी हमारे बीच में ऐसी कोई परसेप्शन की प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के माइंड में, परवाह या कोई नहीं।
कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान बाबा साहब अंबेडकर के निर्वाण दिवस अंबेडकर को किया गया नमन, दिल्ली में दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने निर्वाण दिवस पर किया ट्वीट, कहा बाबा साहब के योगदान का देश हमेशा आभारी रहेगा। निर्वाण दिवस पर लखनऊ में मायावती का शक्ति प्रदर्शन, परिवर्तन स्थल पर पहुंचे हजारों समर्थक। मायावती ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा अखिलेश ने साबित कर दिया कि वो बबुआ है। हाथी जहां बैठा वह खड़ा है वहां अभी भी उसी स्थिति में है। ऐसी बचकानी बात एक परिपक्व व्यक्ति नहीं बल्कि एक बबुआ ही कर सकता है। नोटबंदी के 27 दिन बाद भी कम नहीं हुई लोगों की परेशानी, कैश की कमी की वजह से बैंक और एटीएम के बाहर अफरा तफरी। नोटबंदी के बाद कैश की कमी से परेशान सरकार का फैसला, ठेकेदारों और सप्लायरों को ई पेमेंट से होगा 5,000 रुपए का भुगतान। हाईवे मुसाफिरों को सरकार की ओर से थोड़ी राहत, 15 दिसंबर तक टोल के लिए स्वीकार किए जाएंगे 500 के पुराने नोट। 30 दिसंबर से कैशलेस हो जाएंगे केंद्रीय शासित प्रदेश, केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत सभी यूनियन टेरिटरीज को जारी किए निर्देश। आम आदमी पार्टी ने फिर उठाया दिल्ली को पूर्ण राज्य का मुद्दा, बीजेपी को दी रुख साफ करने की चुनौती। पंजाब के तरन तारण में बैंक की लाइन में 65 साल के शख्स की मौत, पेंशन लेने गए पूर्व सैनिक मलूक सिंह। सहारनपुर के बैंक में महिलाओं का हंगामा, पैसे न मिलने पर पथराव, कुर्सियां भी फेंकी। मध्यप्रदेश के बैतूल में रुक्मणी बालाजी मंदिर प्रबंधन ने कराई एक लड़की की शादी, नोटबंदी से परेशान थे परिजन, टूटने की कगार पर था रिश्ता। नोटबंदी के दौर में बैंक की लंबी लाइन ने लिए एक और शख्स की जान, मेरठ के लिसाड़ी गेट स्थित स्टेट बैंक के बाहर इकरामुद्दीन नाम के शख्स ने तोड़ा दम। गाजियाबाद पुलिस ने पानी की टंकी पर चढ़ी एक लड़की को मुश्किल से नीचे उतारा, गोवा की रहने वाली यह लड़की परेशानी अभी तक नहीं बताई वजह। पुलिस थाने लाकर लड़की का बयान लेने की कर रही थी कोशिश, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के तुगलकाबाद में रेलवे का सेक्शन इंजीनियर छेड़खानी में गिरफ्तार, यार्ड में महिला रेलवे कर्मचारी से की थी छेड़खानी। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में बेकाबू ट्रक ने युवक को कुचला, युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मानव तस्करी गैंग का पर्दाफाश, 5 महिलाओं को दलालों के चंगुल से आजाद कराया गया। दक्षिण 24 परगना में प्रसव के लिए भर्ती महिला की मौत पर बवाल, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। हरदोई में महिला टीचर की हत्या कर क्लर्क ने की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में पुलिस के हत्थे चढ़े सुपारी किलर गैंग के 4 बदमाश, 1.5 लाख कैश के साथ गाड़ी भी बरामद। देवरिया में कॉलेज जा रही छात्रा पर अज्ञात युवकों ने फेंका तेजाब, बुरी तरह घायल लड़की अस्पताल में भर्ती। बिजनौर में बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी पर डाला तेजाब, बुरी तरह घायल लड़की अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के करनाल में नकली पुलिस बन, लोगों से ठगी करने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार, कई लोगों को बना चुकी थी शिकार। कन्नौज में दलित युवक की कुलाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या, हत्यारों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। फरुखाबाद में पति के हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होने पर महिला ने डीएम दफ्तर में की आत्मदाह की कोशिश, कर्मचारियों ने रोका। नासिक में 13 साल की स्कूली छात्रा से गैंगरेप के बाद तेजाब से जलाने की कोशिश, 5 नाबालिग समेत 6 लड़के हिरासत में, 2 आरोपी पीड़िता किससे पास। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में शराब की बोतल के साथ फेसबुक पर तस्वीर पोस्ट करना एक युवक को पड़ा महंगा, 3 साथियों समेत गिरफ्तार। कोटा में शादी समारोह में लाखों के जेवर चोरी, सीसीटीवी में बैग लेकर जाते देखे 2 बच्चे। झारखंड के गढ़वा में मलेरिया से 18 बच्चों की मौत से अड़कम, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जांच की कही बात। गुजरात के बनासकांठा में नहर में गिरी कार, एक शख्स की मौत, एक तैरकर जान बचाने में कामयाब।
बिहार के मधुबनी की रहने वाली युवती से शादी के नाम पर धोखा, सहरसा ले जाकर पति ने देह व्यापार में धकेला, 3 लोग गिरफ्तार। पटना में एनजीओ के नाम पर बैंक में 96 लाख का फर्जी चेक जमा, 1 महिला हिरासत में। बिहार के बाढ़ में 45 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने 2 लोगों किया गिरफ्तार। गुड़गांव टोल प्लाजा पर 2000 के नोट से परेशानी, छुट्टे की किल्लत के चलते लग रहा है लंबा जाम। पर्ल हार्बर पहुंचने वाले पहले जापानी बनेंगे शिंजो आबे, अब इस महीने के आखिर में बराक ओबामा के साथ करेंगे दौरा। नेपाल में संविधान संशोधन बिल को लेकर घमासान, सियासी हल निकालने के लिए राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। पाकिस्तान में कराची के 4-स्टार होटल रीजन प्लाजा में आग का तांडव, 11 लोगों की मौत, 75 से ज्यादा लोग जख्मी। कराची में 4-स्टार होटल के ग्राउंड फ्लोर में बने किचन में लगी आग, करीब 100 लोग थे मौजूद। 33 पर पहुंचा कैलिफोर्निया के वेयरहाउस में लगी आग में मौत का आंकड़ा, रेव पार्टी के दौरान हुआ था जानलेवा हमला।